इंदौर के दिल्ली कॉलेज में मृतक हुए कौवे में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद अब स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट पर आ गया है और दिल्ली कॉलेज के आसपास के इलाकों में लोगों को सर्दी खांसी जुकाम होने पर तत्काल इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को देने और जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए बाकायदा आशा कार्यकर्ता और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने प्रभावित इलाके में जाकर लोगों को समझाइश दी। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि वैसे तो अभी तक इस वायरस के पक्षियों से इंसानों से पहुंचने का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन एहतियात के तौर पर स्वास्थ्य विभाग यह कदम उठा रहा है। गौरतलब है कि 29 दिसंबर को इंदौर के दिल्ली कॉलेज में आधा सैकड़ा से अधिक कौवे की मौत हो गई थी, जिसमें से दो कौवे के शवों की जांच करने पर उन्हें बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद पशु चिकित्सा विभाग और चिड़ियाघर प्रबंधन पर आ गया है। उसके बाद अब स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट पर है। देखिए, बेसिकली ये जो एवियन इन्फ्लुएंजा है, और एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड्स में बहुत कॉमन बीमारी है। अच्छा, ये जो केस जो डिटेक्ट हुए हैं, जो दिल्ली कॉलेज में जो कौओं के जो स्वैब लिए गए, स्वैब से जो रिपोर्ट आई है वो H5N8 के पुष्टि हुई है। H5N8 जो है बेसिकली ये एवियन इन्फ्लुएंजा का वो टाइप है जो वाइल्ड जो बर्ड्स हैं उन बर्ड्स को कवर अप करता है और उनके लिए डेडली होता है, और अभी ह्यूमंस में उसका कहीं से कहीं तक कोई भी सिग्निफिकेंस अभी तक के प्रीवलेंस नहीं देखा गया है। फिर भी माननीय जिलाधीश महोदय के निर्देशानुसार एवं हमारे राज्य स्तर से IDSP सेल से प्राप्त निर्देशों के परिपालन में 1 किलोमीटर का जो एरिया है उस एरिया में उसका सर्वे किया जा रहा है। आज भोपाल से भी हमारे डिप्टी डायरेक्टर इसमें आए थे और उन्होंने भी दिल्ली कॉलेज में हम लोगों के साथ में जा करके निरीक्षण करके आया और संतुष्टि जताई है कि केवल H5N8 का उसमें इन्फेक्शन पाया गया है। H5N1 का इन्फेक्शन जो होता है वो जो डोमेस्टिक बर्ड्स होती हैं उसमें आता है, और यदि वो होता है तब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए अलार्मिंग सिचुएशन होगा। अभी कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सब सेफ हैं, कोई दिक्कत नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।